नमस्कार। थर्ड आई के पहले एपिसोड में मैं आनंद वर्धन आपका स्वागत करता हूं। हाल के दिनों में कल सलमान खान के ऊपर जोधपुर कोर्ट में काला चीतल ब्लैक बक मारने के आरोप सिद्ध हुए हैं और उस कारण उनको 5 वर्ष का कारावास की सजा मिली है और 10,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। देश में अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया आई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फैसले के दो पक्ष हैं, एक कानूनी पक्ष है और एक सामाजिक पक्ष है। सलमान खान का जब एक साल पहले उनको बंबई में रैश कार ड्राइविंग के आरोप में जब लोग मरे थे, उनका बरी हो जाना कहीं ना कहीं से भारतीय न्याय प्रणाली पे लोगों की आस्था को खोया था। लोगों को ऐसा लगा था कि जो पैसे वाले हैं, जो रसूख वाले हैं, जो न्याय की प्रक्रिया को किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, उसको उन लोगों को के लिए ऐसा लगा था कि ये सारे लोग न्याय को, मैं ये शब्द नहीं कहूँगा क्योंकि शायद वो भारतीय दंड के हिसाब से या भारतीय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा कि न्याय खरीद सकते हैं, लेकिन न्याय को प्रभावित ज़रूर कर सकते हैं। जिस प्रकार से सलमान खान की एक दिन के अंदर ही छोटी अदालत से जमानत खारिज हुई, जिला अदालत से जमानत खारिज हुई और उसी दिन हाईकोर्ट से उनकी जमानत 4 घंटे के अंदर मिल गई, ये भी अपने में एक अजीब सी स्थिति थी। इस कोर्ट केस में जब जोधपुर का था, जिसको वहाँ के विश्नोई एक लंबे समय से लड़ रहे थे, वहाँ के विश्नोई जब ये मुकदमा शुरू हुआ था तो उनका ऐसा कहना था कि जो ब्लैक बक या काला चीतल है, ये उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। और उसका जब शूटिंग के दौरान सलमान खान और उनके साथी कलाकारों ने जब उसकी शूटिंग की थी, उसका शिकार किया था, तो उनकी धार्मिक आस्थाएं उससे प्रभावित हुई थी और ये बिल्कुल वाजिब बात थी। एक लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी गई थी और जिस समय लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय जहाँ तक मैं समझता हूँ, कोई हिंदू मुस्लिम, सलमान खान मुसलमानों के हीरो हैं या हिंदू आस्था, इस तरह की कोई बात इस देश में नहीं थी। हाल फिलहाल के दिनों में ये सब बातें आने लगी हैं। हाल फिलहाल के दिनों में व्हाट्सएप में भी होने लगा है कि भाई वो मुसलमान है तो उनकी पिक्चर हिंदू ना देखें, हिंदुओं को देखना है तो अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, इन लोगों की पिक्चरें देखें। वो बात रही अलग, लेकिन कल कोर्ट ने उनको सजा देके एक आम हिंदुस्तानी के अंदर इस विश्वास को पैदा किया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं नो वन इज अबव द लॉ। क्वांटम की बात अब आती है दूसरी तरफ, कि कुछ लोगों का यह मानना है कि 10,000 रुपये बहुत कम जुर्माना है। सलमान खान के प्रभाव को देखते हुए, उनकी हैसियत को देखते हुए, ये जुर्माना कई गुना ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन न्याय के सामने शायद इस तरह के आरोपों में 10,000 रुपये से ज़्यादा जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। मैं कोई न्यायविद नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ इस तरह की शायद व्यवस्था नहीं है। लेकिन ये भी व्यवस्था नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जिसको सजा मिल चुकी है, वो जेल में जाके जेलर के रूम में जिस ढंग से बैठे हैं, वो उस तरह की व्यवस्था भी शायद इस देश का कानून किसी को नहीं देता है। तो अब तो मेरे हिसाब से सलमान खान से ज़्यादा इस देश की न्यायपालिका, इस देश के राजनेता और इस देश को एक बार ये फिर आम आदमी को समझाना है कि आपकी हिम्मत, आपकी इज्जत इस देश में पूरी तरह से सुरक्षित है और आपको इस देश के ऊपर पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद।